दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि दिसंबर मंथ 2022 के लिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है इंडिया, और उसी प्रेसिडेंसी के दौरान एक मीटिंग के दौरान इंडिया ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया और टेररिज्म पे बात की। और दोस्तों, इसी मीटिंग के दौरान जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने सभी कंट्रीज को ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप टेररिज्म को कंट्रोल करिए, अपने यहाँ टेररिज्म को मत पनपने दीजिए। और दोस्तों, इसी के रिस्पॉन्स में आपने देखा है पिछले कई दिनों से एक कॉन्ट्रोवर्सी चली हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया इंडिया के इस कमेंट को कि भाई ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया, और इसके बाद जो एक अलग ही लेवल पे बहस छिड़ गई, जैसे बिलावल भुट्टो हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पर्सनली अटैक किया नरेंद्र मोदी पे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे, जो एक उनका लेवल दिखाता है और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को और ख़राब करेगा उनका ये स्टेटमेंट। और दोस्तों, बिलावल भुट्टो के इस पर्सनल रिमार्क के बाद उसने जो पीएम मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोला और जो बचकानी हरकत की है, उसके बाद इंडिया में काफ़ी गुस्सा है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या इंडिया में रूलिंग पार्टी बीजेपी, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उसमें जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया। चाहे शशि थरूर हो या और भी बड़े लीडर्स हों, छत्तीसगढ़ के सीएम हो, दोस्तों उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पहले हमारे पीएम हैं, उसके बाद वो नेता हैं देश के। दोस्तों, हम अपने पीएम के साथ खड़े हैं, अपोजिशन के सारे लीडर्स पीएम के साथ खड़े हैं। और दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें कि इन अपोजिशन के लीडर्स ने क्या बोला है बिलावल भुट्टो के बारे में, और इंडिया एज ए नेशन कैसे खड़ा है। बिलावल भुट्टो बच्चा है, और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा है, हम उसमें उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, और उसके खिलाफ उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए ये हमको बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, अशोभनीय टिप्पणी है, अश्लील टिप्पणी है। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है चुनाव के माध्यम से। आप तो कभी डेमोक्रेसी रहे ही नहीं, फौजी भुट्टो ने आपकी डेमोक्रेसी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करिए तो वो जुबान में भी आए, बाकी इस तरह की अश्लील टिप्पणी करके आप अपना कैरेक्टर इंटरनेशनल फोरम पे दिखा। बिलावल भुट्टो एक बचकाना बात कर रहे हैं, उनको न जाने किस लिए पाकिस्तान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। वो तो पाकिस्तान की राजनीति नहीं जानते तो इंटरनेशनल राजनीति क्या जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस तरीके से बोलने का भारत के बारे में, ये भारत का इंटरनल मैटर है, कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे उनसे लड़ाई कोई जाति लड़ाई नहीं है, उनसे वैचारिक लड़ाई है। और अगर देश के भारत के प्रधानमंत्री पे, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर विदेश का कोई आदमी, कोई मिनिस्टर कोई उंगली उठाता है तो वो ना सिर्फ निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस मामले को हमारी सरकार को शिद्दत के साथ ज़ोरदार तरीके से उठाना चाहिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाना चाहिए और उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देखिए, ये जो एक तो वो हैं 32 साल के, इनको कोई अनुभव तो है नहीं कि कूटनीति कैसे चलती है। कूटनीति का पहला लेसन है कि आपकी भाषा शराफती होनी चाहिए। अब ये कहाँ पढ़े हैं? ऑक्सफोर्ड में पढ़े और ये सीखा है उन्होंने। और किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि इस लड़के से कहे कि तुमने क्या बकवास की। हमारे यहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा, दुनिया में और किसी ने नहीं कहा। तो अब जब कोई देश का पतन होता है, गिरावट होती है, तो ऐसे लोग आते हैं आगे।